मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से आपको बताएं, महकमा रेलवे में छांटियों का फैसला कर लिया गया है। पहले मरहले में रेलवे ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से 83 अफसरान की छुट्टी होगी। 163 में से 80 अफसर ही अपनी जगह पर बरकरार रख पाएंगे। मुलाजमीन ने कल रेलवे हेडक्वार्टर्स में एहतजाज की कॉल दे दी है और इसी पर बात करते हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अहमद सईद, आगाह कीजिएगा, रेलवे मुलाजमीन की जानिब से कल एहतजाज की कॉल दी गई है, क्या मुतालबात हैं उनके और उनके मसाइल अब तक हल क्यों नहीं किए जा रहे? जी बिल्कुल, फिलहाल महकमा रेलवे में तंजीम साफी के लिए जो मुलाजमीन की छांट का आगाज है वो कर दिया गया है और पहले मरले में रेलवे ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में अफसरान की छांटे का फैसला है वो किया गया है। और फैसला जो है वजीर रेलवे आजम खान स्वाती के इजलास में किया गया, जिसमें ये फैसला हुआ है कि 163 में से सिर्फ 80 अफसरान की खदमात है वो रखी जाएंगी और छांटियों के हवाले से अफसरान के इंटरव्यू की हदायत है वो दी गई है, जो कल 9 फरवरी रेलवे हेडक्वार्टर में है वो की जाएंगे, जिसके फोकस पर्सन जो है वो डिप्टी जनरल मैनेजर रेलवे फरमान खनी को है वो गर्व किया गया है, जिस पर अफसरान की तरफ से पॉलिसी को मुस्तक करा देते हुए कल सुबह रेलवे हेडक्वार्टर में एहतजाज की कॉल है वो दे दी है। और जराये का ये कहना है कि अफसरान का ये मुतालबा है कि 163 अफसरान जो थे वो पाकिस्तान रेलवे के तमाम डिपार्टमेंट में अपनी खिदमात है वो सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद।